एजुकेटर इंडिया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कह करने की आवाज, हरे राम हे राम की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्वल कंठ से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को उतारने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घोरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मार कर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती, चटधा गिरधा चटधा गिरधा, यानी आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यों तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से परिचित अवश्य थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोग उससे बदला लेने के लिए हुई सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती में भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्याम नगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव फेंच देखकर उसे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्याम नगर मेले में आया था। सुंदर जवान अंग प्रत्यय से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्ठों को पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने
टाइटियल को सत्य प्रमाणित करने के लिए वह चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्याम नगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्ठन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा मरा, पर वाह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चलाए शेर के बच्चे से, सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिर गिराता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्ठन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चट दहा गिड़दहा, चट दहा गिड़दहा, भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक डिना ढाक डिना ढाक डिना, अर्थात वाह फट्ठे वाह फट्ठे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिड़ दहा, मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूं ने डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसके ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव तेज की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, दहाक दिना तिरकट तिना, दहाक दिना तिरकट तिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकलाया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चटधा चटाक चटधा, उठा पटक दे। लुट्ठन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिक दिना अर्थात चित्त करो। लुट्ठन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा, धा गिड़ गिड़ धा गिड़ धा गिड़ गिड़, बा बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलत है अपनी अपनी इच्छा अनुसार, किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से सारा आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे हे अरे हे
किंतु राजा साहब ने स्वयं छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंख पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब ने उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का दुसाद सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन सेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन ने लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघा कर दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर या अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और ब्याग जंजीरों को झकोर कर बाग दहाड़ता, हाँ ऊँ हाँ हूँ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चूहल करने की सूझती, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बनाए, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक की हंसी हंस कर कहता, अरे तनी मनी काहे ले आओ डेढ़ शेर, और बैठ जाता। दो से रसगुल्लों को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरिया ठूस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटते समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अवरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता हुआ, मुंह से पीतल की सीटी बजाता हुआ हंसता हुआ वह वापस आता जाता। बल और शरीर की बुद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसमें दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते, इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंस साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यों ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी दो पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग से धार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोल बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता, समझे ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान रखना, हाँ मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है, समझे ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ, दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी बहुत सी बातें वह कहा करता, फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सबकी एक राय पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने बिलात से आते ही राज्य कार्य अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलता आ गई थी राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए, उन्हीं परिवर्तनों की चपेट आघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया।
पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन वह सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबुल। नए मैनेजर ने कहा, हॉरिबुल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोंपड़ी बांध दी, वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक लेकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो भी कुछ लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज दो तीन लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी, शायद सूर्य के प्रकाश में। सूर्योदय होते ही लोग कांकते, कूंकते, कराहते, अपने घरों से बाहर निकल अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर, दुल्हन जो गया सो गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको देखो, उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे, कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ी में घुस जाते तो चू भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं को नहीं होती थी। रात्रि की बिभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही बढ़ती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश गति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, ऐसे हैं वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटदा, चटाक चटदा, सारी रात ढोलता पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साह भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांगिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, डेढ़ हाथ का कलेजा है। चार पांच दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश छित पड़ी है। रात में सियारों ने सुगठित बाई जांग के मांस को खा डाला है। पेट पर भी आंसू पहुंचते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना
वह आगे बोल नहीं सका। पास में ही ढोलक लुंडकी हुई पड़ी थी। सियारों ने ढोलक को भक्ष्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ डाला था। धन्यवाद। एजुकेटर इंडिया।